नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। मैं सोच से इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी दबाव में होती है कुछ ना कुछ खतरनाक करती है, और उसकी दो मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के एक ब्रिज में क्या फंसते हैं, किसान जो कि उनसे 1 किलोमीटर दूर होता है, उस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा प्रचार तंत्र खालिस्तान के एक नैरेटिव में बदल देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खालिस्तानी मारना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त दबाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों की बखिया उधेड़ते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए यह बयान देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला 80% बनाम 20% है, यानी खुला खेल फरूखाबादी, साफ तौर पर इसे हिंदू मुस्लिम करना। और अब आपके सामने जो खबर आ रही है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत खतरनाक है। इन चेहरों और नामों पर गौर कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री, उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर, और उनके साथ 4 अन्य, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कम से कम 4 अन्य विधायक जो हैं वो उनके साथ शामिल हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि 15 और शामिल होने वाले हैं, और वो नाम अब तक कौन कौन है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और विनय शाक्य। हालांकि विनय शाक्य को लेकर एक हल्का सा विवाद है, उनकी बेटी जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि विनय शाक्य को उनका अपना भाई जो है वो किडनैप कर रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त, जिसे हम कह सकते हैं ना, भूचाल आया हुआ है, यानी कि बीजेपी दबाव में है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग ये कह सकते हैं कि जब ये मोहतरमा अग्नि परीक्षा का सामना कर रही थी, यानी कि ममता बनर्जी, तब भी तृणमूल कांग्रेस के 10 से 12 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, मगर फिर नतीजे क्या आए सब जानते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है कि नतीजे भी कुछ इसी तरह के आए उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। पिछले 10 सालों पर गौर करें, आपकी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले 10 सालों में गौर करें, या मैं कहूं अगर पिछले 7 सालों में गौर करें, तो एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बताया जाता है, जहां तमाम प्री पोल सर्वेस में बीजेपी को कम से कम 235 सीटें बताई जा रही हैं, यह पहली बार हो रहा है जब अब तक 5 विधायक जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। इससे पहले भी बीजेपी के 3 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वास है, आपको ये बात अटपटी नहीं लगती? क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल आपका ध्यान इस तरफ नहीं खींचना चाहेगा। एक बात पर गौर कीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, वो शख्स जो कि योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते हैं। जी हां, उनके दिल में भी बगावत की एक अग्नि है, हालांकि मुझे नहीं लगता वो बीजेपी छोड़ेंगे, और उनका यह बयान बहुत कुछ कहता है जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बातें करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सवाल है राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कि आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता। यह अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने को लेकर या तो तैयार नहीं थी, या अब छोड़ने के बाद एक नया नैरेटिव बना रही है जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते थे उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता था।
तृणमूल कांग्रेस के 10 से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, मास्टर स्ट्रोक बताया गया। हालांकि मीडिया ने आपको यह नहीं बताया कि वो जो 10 से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए, उनमें से कम से कम दो चेहरे, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, दोनों नारद सिंह घोटाले में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं अपनी जान बचाना चाहते थे। और अब धीरे धीरे उन 10 से 12 विधायकों में अधिकतर जो हैं वो वापस तृणमूल कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में गए उन पर दबाव था, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल था। मगर यहां पर जो हो रहा है, कोई भी इसे अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक नहीं बता रहा है। जबकि पिछले कुछ अरसे से आप लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी इन तमाम रैलियों के जरिए, रोड शोज के जरिए, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, राज्य की तमाम जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं उन्हें संजोने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने साथ शामिल करने में लगे हुए हैं। ये तमाम चेहरे जो उनके साथ आप देख रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, लालजी वर्मा हो, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं, ये तमाम चीजें बतला रही हैं कि अखिलेश यादव एक प्लान के साथ काम कर रहे हैं। मगर मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक कभी नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, मैं भी जिसे कहते हैं ना पुरानी सोच का पत्रकार हूं, और मेरा यह मानना है कि जो लोग अवसरवादिता के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, उनकी ईमान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने 2016-17 में, आपको याद होगा, मायावती के सबसे मजबूत नेता हुआ करते थे, मगर 2016-17 में मायावती को छोड़ के वो बीजेपी में आ गए। उस वक्त मौसम किस ओर पलट रहा था, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया। अब भी शायद वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मौसम जो है वो किस ओर पलट रहा है। ये अवसरवादिता है मेरे परिभाषा के मुताबिक, मगर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए दोस्तों, वो दोहरे मापदंड जो हम मीडिया में साफ तौर पर देख रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले इन चेहरों पर गौर कीजिए। भाजपा में इस वक्त जबरदस्त खलबली है। देश के गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, राज्य के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम जो नेता हैं दिल्ली के अंदर मंत्रणाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, संदेश ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए ये आभास हो रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत कर दी है। क्योंकि पिछले 5 सालों में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। पिछले 5 सालों में योगी के आलोचकों का मानना था, आदित्यनाथ के आलोचकों का मानना था कि राज्य के अंदर ठाकुर राज चल रहा था, तमाम जगहों पर तैनाती ठाकुरों की, तमाम बड़े आपराधिक स्थलों पर अत्याचार ठाकुरों का। ठाकुर पुलिस वाला जगत नारायण सिंह गोरखपुर के एक होटल में घुसता है और मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी को मौत के घाट उतार देता है और फिर फरार भी हो जाता है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में भी क्या हुआ था, जिस दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पीछे भी अत्याचारी कौन थे। तो एक संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में ठाकुरों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं, दलित भुगत रहे हैं, ब्राह्मण भुगत रहे हैं और ओबीसी भुगत रहे हैं, यानी उनमें जबरदस्त नाराजगी है। क्या इसका मायने यह है कि ये तमाम जातियां अब इकट्ठा होकर अखिलेश यादव का दामन थाम रहे हैं। इसका जवाब इतना आसान नहीं है और ऐसा हो जाए यह भी जरूरी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आप कुछ और चीजों पर गौर करें। अब भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव बना रही है कि जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा इनमें से माफिया थे, अपराधी थे और इनका हमें कोई असर नहीं पड़ता, स्वामी प्रसाद मौर्य तो पहले छोड़ना चाहते थे। मैंने अभी अभी आपको केशव प्रसाद मौर्य दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों छोड़ दिया। अब वो क्या बयान दे रहे हैं, हालांकि इस बयान में मुद्दा इमरान मसूद भी था, मगर अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्हें केशव प्रसाद मौर्य आपराधिक इतिहास और आपराधिक पृष्ठभूमि का नेता बता रहे हैं। सुनिए, यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखा आपने, अब तक ये तमाम विधायक इनके साथ थे, मगर आज ये आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए। और यही नैरेटिव दोस्तों मीडिया में भी चल पड़ा है। कल कायदे से तमाम न्यूज चैनल्स को इसकी चर्चा करनी चाहिए थी, यह भी कहना चाहिए था कि अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है, मगर सभी का जो तेवर था स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करना, उन तमाम विधायकों पर हमला करना जो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी जो तीन विधायक बीजेपी के अखिलेश यादव के साथ शामिल हुए, मसलन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, आर के शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो अखिलेश यादव के साथ शामिल हुए थे, इसे पूरी तरह से मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था। और अब भी मीडिया किस तरह का कवरेज कर रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले जिस शख्स ने पत्रकारिता का नाम तिहाड़ जेल में रोशन किया वो किस तरह की कवरेज कर रहा था, इंसान में सुअर का दिल। चलिए साहब, दिल में होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यही चैनल किस तरह से कवरेज कर रहा था ये देखिए, दल बदल से सत्ता बल, यानी कि जब बीजेपी में लोग शामिल होते हैं तो वहां सत्ता बल इनको नहीं दिखाई देता है, टीएमसी से, या फिर जब ज्योतिरादित्य के 22 विधायक मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए थे तो इनमें से किसी ने दल बदल सत्ता बल अवसरवादिता ये सब तमाम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब पिछड़े वर्ग के नेता शामिल हो रहे हैं अखिलेश यादव के साथ तब इन्हें अवसरवादिता ये तमाम चीजें दिखाई दे रहे हैं। दूसरा शो देखिए, पिछड़ों पर राजनीति से वोट कब तक, कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। जब पिछड़े वर्ग का कोई नेता कुछ करता है तो उसमें अवसरवादिता, वोट की राजनीति, यकीनन वोट की राजनीति है। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाई दे रहा हो कि अखिलेश यादव अगले सीएम बनने वाले हैं, उन्होंने अपने हितों का ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। और मैं आपको कार्यक्रम में बता चुका हूं मेरी सोच इस तरह के अवसरवादिता के खिलाफ है, मगर मेरी दिक्कत है कि मेरी सोच तो समान रहती है, मगर ये मीडिया न्यूज चैनल अब इन्हें पिछड़े वर्ग की राजनीति में अवसरवादिता दिखाई देने लगती है। और मीडिया के कितना शर्मनाक किरदार रहा है दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं आपको अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाऊंगा जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आने वाला है, मगर इससे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं। अखिलेश यादव आज तक को इंटरव्यू दे रहे थे और उनकी एक महिला एंकर सामने बैठी हुई थी। उन्होंने महिला एंकर से सवाल किया कि जिस पीयूष जैन के घर पर रेड मारी गई थी, इत्र का जो व्यापारी था वो तो बीजेपी का नेता था, आप इस बात को मानती हैं या नहीं मानती हैं? महिला एंकर ने कहा हां हां वो बीजेपी के नेता, उनके समर्थक हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसके जवाब में क्या कहा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मानो पत्रकार और बीजेपी के नेता में कोई फर्क ही नहीं रहा। आज तक चैनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इस ईमानदार स्पष्टीकरण का स्वागत है कि जिस इत्र व्यापारी के घर से अरबों रुपए निकला वो भाजपा का अपना आदमी था, सत्यमेव जयते। ये बात किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कही थी, ये बात एक पत्रकार ने कही थी। अब गोदी मीडिया का पत्रकार और बीजेपी के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा दोस्तों। और इसी इंटरव्यू में इस महिला एंकर ने अखिलेश यादव के साथ इतनी बदतमीजी की थी कि जिसका नतीजा यह हुआ कि अब समाजवादी पार्टी ने आज तक के तमाम चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है, अब वो अपना कोई प्रवक्ता वहां नहीं भेजने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस एंकर से सिर्फ इतना कहा था कि आप एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार हैं, यानी कि अब इन्हें ईमानदार भी गाली लगने लगी है। मैं जानता हूं महिला एंकर तंज से घबरा गई, मगर मैं पूछना चाहता हूं जिस तरह का तेवर ये लोग विपक्ष के नेताओं पर दिखाते हैं, क्या कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी इस तरह इनका हौसला दिखाई देता है? कभी नहीं ना। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता आपके स्क्रीन पर है, नाम है सैयद जरीन, यह क्या कह रही है इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ईमानदार चैनल की नई ईमानदारी, अब वो अपने चैनल का नाम छुपाकर फोन करते हैं डिबेट में शामिल करने,
इतने बुरे दिन आ गए कि खुद अपने ही चैनल का नाम लेने में शर्म आती है। खैर, वक्त पर पता चल गया इनकी ईमानदारी और डिबेट से हट गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज तक से, क्या वाकई इस तरह की घटना हुई जहां आपने इस प्रवक्ता को नहीं बताया और ये तमाम चीजें होती रहीं? इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों। सवाल सिर्फ इस एक चैनल का नहीं है। मैंने कुछ देर पहले आपको जी न्यूज की हालत दिखाई। तमाम न्यूज चैनल्स मानो एक सुपारी लेकर चल रहे हों विपक्ष के खिलाफ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई जो है वो इन चुनावों में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, खासकर इस बात की भी पृष्ठभूमि में कि चुनाव आयोग ने फरमान जारी कर दिया है कि 15 जनवरी तक कोई रैलीज, कोई रोड शोज नहीं होंगे। एक तरफ तो मीडिया विपक्ष को दिखाता ही नहीं है, मीडिया उल्टा विपक्ष पर हमले करते रहता है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ अब वो रैलीज और रोड शोज भी नहीं कर पाएंगे, जो कि कोरोना की निगाह से एक स्वागत योग्य कदम है। मगर क्या चुनाव आयोग की निगाह उस लेवल प्लेइंग फील्ड पर है? क्या मीडिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां विपक्ष भी अपनी बात आसानी से रख सके? नहीं ना। इसलिए ये हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। और हां, जाते जाते मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि भाजपा जितने ज्यादा दबाव में रहेगी, हालात उतने ज्यादा नाजुक होंगे और खेल उतना ज्यादा खतरनाक होगा। नमस्कार।